ये यहीं पे प्रैक्टिकल मैं करा देता हूँ, सबके सामने अच्छा प्रैक्टिकल होगा। मैं एक बार ना इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन अब देखो सर, ये जी सर मार्स है इनका और ये विनस है, जी हो गया कंबिनेशन। मार्स यस विनस का कंबिनेशन है, मार्स पोलो विनस है कि नहीं है, यस और यस सर न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है ये आप सबके सामने क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर लिया, उठाया, और उसी से मैंने आपका ये पता लग गया कि आपके किस प्लेनेट के साथ कम्बिनेशन है। दैट्स ऑल। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम निसर। अब बात आती है सर, दोबारा से हम वाइट सर इस समय में दशा भी यही चल रही है। चलेगी ना सर, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आपके पास है। अगला जो अभी आप बोलो मत, अभी रुको जरा, अभी तो स्टार्टिंग है सर। हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, ये दिख रहा है ना सबको? यस सर, थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब दिखा सर? बहुत अच्छा है सर। मार्स प्लस विनस, और जब भी ये कॉम्बिनेशन उस टाइम पीरियड में मिलता है तो ये समझ लो उस टाइम पीरियड में वही समय डीबीए में चला हुआ होता है, वही प्लेनेटरी पोजीशन का टाइम ऑफ पीरियड चला हुआ होता है रैंडमली। ये बेस पॉइंट बिल्कुल मैंने आपको बताया। बात आती है केपी एस्ट्रोलॉजी में, सूत्र लिख लो पहले। ये मेरे खुद के सूत्र हैं, हो सकता है सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन मेरे मतानुसार जो मैं एस्ट्रो एंड न्यूमरो करवाता हूँ कम्बिनेशन, वो सबसे अलग हटके आप लोगों को जो है देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे आप न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक, ये तो सबको पता ही होगा मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है, इसको लिखो या मत लिखो आप सबको पता होगा। पहले ना समझ लो मेरी बातों को, मूलांक क्या है? ये वो नंबर होता है जो आपकी जन्म तिथि के अंकों को जोड़ने से आता है। फर्स्ट जो आपका किसी का 25 है, 2 + 5 यानी 7 हो गया, ठीक है। भाग्यांक वो है कि पूरी डीओबी को ही प्लस करके ना सिंगल डिजिट का जो नंबर निकल के आता है वो आपका भाग्यांक होता है, ठीक है जी। स्टेप टू में आ जाता है कि न्यूमरोलॉजी में जो नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर का एक प्लेनेट होता है, रूलर होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट का सन है, सेकंड का मून है, थर्ड का जुपिटर है, फोर्थ का राहु है, फिफ्थ का मरकरी है, सिक्स का वीनस है, सेवंथ का केतु है, एट्थ का सैटर्न है, नाइन्थ का मार्स है, अच्छा ठीक है जी। अब आप न्यूमरोलॉजी के मूलांक और भाग्यांक को केपी एस्ट्रोलॉजी के प्लेनेट से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि पता चले कि कौन से ग्रह आपकी लाइफ में ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल। थर्ड स्टेप में आ जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो प्लेनेट का एनालिसिस करना होता है,
एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के स्थान और उनके सबलोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमरोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर कुछ इस प्रकार एनालिसिस करेंगे। लाइक आपकी जो डीबीए चली हुई है एट प्रेजेंट, इससे पता चलेगा कि कौन से ग्रह फिलहाल प्रभावशाली हैं आपकी लाइफ में। जैसे मार्स एंड वीनस निकल के आया, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। फिर अपने जी मूलांक और भाग्यांक से जुड़े जो भी रूलर प्लेनेट है उनको देखना आपने। एग्जाम्पल, अगर मूलांक आपका 5 है तो इसका ग्रह मरकरी होगा, तो मरकरी की जो आपने सिचुएशन कंडीशन देख लेनी है चार्ट के अंदर वो कैसी है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपने ये चेक करना है कि ये किसका नक्षत्र लोड है और उस टाइम पीरियड में जो प्लेनेटरी पोजीशन आपकी जो चली हुई है क्या उसके साथ मैत्री भाव है कि नहीं है। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो मैं YouTube पे भी डालूंगा आपको। मैं प्रैक्टिकल यहीं करवा के दिखाऊंगा, वो पार्ट में है यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा साथ साथ में, वो एग्जाम्पल मैं अलग से पार्ट लूंगा अभी। जी सर, अब बात आती है 4 नंबर जो स्टेप आता है हमारा, लकी नेम एंड मोबाइल नंबर का चूज करना। उसको कैसे चूज करेंगे? लकी नेम क्या है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसा नाम आपने चुनना है जिसका टोटल नंबर आपके मूलांक या भाग्यांक से मेल खाता हो। एग्जाम्पल, अगर आपका भाग्यांक 6 है तो ऐसा नाम चुने जिसका टोटल जो नंबर निकल के आए वो 6 नंबर आए। ठीक है जी। लेकिन आपने स्क्रिप्ट जरूर चेक कर लेनी है। वेनस की कनेक्टिविटी आपके किस किस हाउस से है, किस किस हाउस के साथ में है, आपके वो हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अब लकी मोबाइल नंबर आपको ऐसे ही लेना, आपका मोबाइल नंबर का जो टोटल ऐसा होना चाहिए जो आपके फेवरेबल जो मूलांक या भाग्यांक से मेल खाता हो। एग्जाम्पल, अगर आपका मूलांक 5 है मरकरी और मरकरी आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में है तो मोबाइल नंबर का टोटल अंक 5 नंबर ले सकते हो। स्टेप 5 पर हम जब बात करते हैं ग्रह दशा के अनुसार जो एडजस्टमेंट होती है। अगर आपका रूलिंग ग्रह जैसे मूलांक या भाग्यांक का ग्रह केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किसी खराब दशा में है तो उस ग्रह से जुड़े नंबर या नाम को आपने अवॉइड करना है। इसके बजाय उन ग्रहों से जुड़े नंबर या नाम चुने जो प्रेजेंट आपकी डीबीए में शुभ फल दे रहे हो, शुभ बेस्ट रिजल्ट आपको ऑफर कर रहे हो एट प्रेजेंट डीबीए में। एग्जाम्पल, मान लो किसी का मूलांक 4 है और राहु को दर्शाएगा, भाग्यांक 7 है और केतु को दर्शाएगा। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार राहु आपकी कुंडली में लाइक समवन कोई भी हो सकता है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो आप क्या करोगे? 4 नंबर के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? अब मार्स एंड जुपिटर का आपने देखो 3, 4, 8, जब भी आपके मोबाइल के अंदर मार्स की एक्टिविटी आ जाती है तो आप ऑक्यूल्ट से रिलेटेड हायर एजुकेशन में जाओगे जाओगे। ओके और आप जब भी वीनस के नंबर पे जाओगे तो भी आप ऑक्यूल्ट में गहराइयों में जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 3, 4, 9, 5, 8, 11 का जो कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है वीनस आपको जो दे रहा है। अगर ओके हम इसका टोटल करेंगे तो वीनस है वैसे ये मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में। कब लिया आपने ये मोबाइल? सर, ये हो गया 4-5 साल हो गए वैसे मेरे पास इस नंबर को। सर, फिर गहराइयों में तो आप कभी से हो, उससे पहले कोई नंबर? उससे पहले एक नंबर था वो 9-6-4-6-5 एक डबल मिनट, जीरो ट्रिपल 3 वो था। एक मिनट सर, दोबारा से फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे एक बार तो निकालता हूँ मैं। बोलना सर। 9-6-4-6-5
00333। अब ये भी मार्स और जुपिटर। जी ठीक है जी, सर। अब सर ये कौन से ईयर में आपने लिया था ये नंबर 96 वाला, आपको कुछ ये याद है? मैंने 2009 में लिया था, 8 या 9 में। ओके, अब एक चीज और मैं यहाँ पे नोट करूंगा, नाइन में लिया था आपने। देखो, सबको पता है कि हमारा जो बर्थ ऑफ डेट जो रहता है उसको हम सिंगल डिजिट बनाते हैं, मूलांक निकलता है न्यूमरोलॉजी में, हाउ टू कैलकुलेट लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने ये देखना है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले आपकी जो डेट है उसको सिंगल डिजिट बनाएंगे। लाइक किसी का 17 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 + 7 = 8 आएगा, तो 8 नंबर उनका मूलांक होगा, मीन्स लाइफ पाथ नंबर। और सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे, जो टोटल उसका सिंगल डिजिट बनाएंगे जो उनका पूरी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। लाइक किसी का जन्म 17 मार्च 1985 को हुआ है तो भाग्यांक होगा 1 + 7 + 3 + 1 + 9 + 8 + 5 = 34। और फिर इसको हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो 3 + 4 = 7 आएगा। तो हमारा ये कंडक्टर और ड्राइवर नंबर निकल के आ जाता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप रहता है हमारा, कौन से नंबर से किस प्लेनेट का सिग्निफिकेंट हमें प्राप्त होता है। जैसे सूर्य का हम लेते हैं, यहाँ पे 1 नंबर जो आता है वो सूर्य का है, सेकंड नंबर जो आता है वो मून का है, चंद्रमा का है, थर्ड नंबर पे जुपिटर रहेगा, और फोर्थ नंबर जो रहता है वो राहु का है, और 5 नंबर मरकरी का है, 6 नंबर वीनस का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर सैटर्न का है, और 9 मार्स का है। तो न्यूमरोलॉजी का आपको ये मूलांक और भाग्यांक आपने केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, और उसके आधार पे मैं समझाने वाला हूँ कि कौन सा नाम आपके लिए लकी रहने वाला है, कौन सा मोबाइल नंबर आपके लिए लकी रहने वाला है। आज हमारी जो चर्चा रहेगी इसी टॉपिक पर रहेगी। तो एस्ट्रोलॉजी किस किस को आता है, बेसिक बेसिक हैंड आती रेस कर दो, है सर। सिर्फ हैंड रेस कर दो। शिवाजी आप का चार्ट ओपन करते हैं। यस सर, थैंक यू। और डेट ऑफ बर्थ बोलना। 4th 1977। फोर पहले डेट बोलो आप। 4/02/1977। टाइम बोल। 4:16:45। सोलन, हिमाचल प्रदेश। सॉरी क्या बताया, सोलन। सोलन, SOLN। ओके ठीक यही है सर। देखो, D1 चार्ट है ये, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल।
जो हम चार्ट बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम फीड किया और निकल के आ जाता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मैनुअली भी हमें निकालना आना चाहिए, लेकिन आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है। और बेसिक भी अगर आप सीखना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई भी एस्ट्रोसेज वगैरह, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप आप मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी आपका एक चार्ट निकल के आ जाएगा। कुछ ज़्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर का ही ज्ञान होना ज़रूरी है, वैसे भी आ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हाई नॉलेज की। अभी देखो ये फर्स्ट हाउस में जैसे चार नंबर लिखा हुआ, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे साइन कोई भी रहे इसको फर्स्ट हाउस ही मानेंगे हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ये चार्ट बना हुआ है इसमें जो ये खाना नंबर एक इसको बोलते हैं और फर्स्ट हाउस इसको हम बोलते हैं, इसमें साइन चेंज हो जाती है लेकिन हाउस फिक्स रहते हैं। ये जो भाव है फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है जहाँ पे फाइव नंबर लिखा हुआ है, ये जो इनके अंदर ये है साइन, लाइक ये कैंसर साइन है तो इनको कैंसर लगन बोलेंगे। और ये सेकंड हाउस है जहाँ पे लियो की साइन आती है, और ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ये टेन है, और ये इलेवन है, और ये ट्वेल्व है। फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस होते हैं, और फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ ही साइन होती है हमारी, जोड़ी एक साइन जो होती है, और नाइन प्लेनेट होते हैं हमारे, और उसी का सब खेल, 27 नक्षत्र हमारे रहते हैं, और 27 नक्षत्रों को, प्रत्येक नक्षत्र को हम 9 भागों में बांट देते हैं, तो हमारे सब लोड निकल के आते हैं, तो वो बन जाता है केपी, कष्ट चार्ट, जो आपको पिन पॉइंट पे प्रेडिक्ट करती है वो कृष्ण मूर्ति पद। तो आज इसी बेस पे हम ये जानेंगे कि कौन सा नंबर आपके लिए लकी है और कौन सा नेम आपके लिए लकी है। जी सर, तो बीच में कौन, अब देखो ये फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस है, आप सब देखो यहाँ पे फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस है, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो साइन है, लेकिन कस्प चार्ट में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाती है हमारी और हाउस वहीं रहते हैं, साइन चेंज हो जाती है या गायब भी हो जाती है कस्प कुंडली चार्ट में। अब फर्स्ट हाउस जो, जिनको देखो एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज है वो अच्छे से अलाइन कर पाएंगे इस थ्योरी को, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके लिए। प्रवीण जी, प्रवीण दैया जी, आपको ये पता चल गया ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर फाइव सिक्स हाँ जी, सेवन, हाँ जी, ऐसा हाँ पता जी, चल हाँ गया ना जी, सर? हाँ जी, हाँ जी, तो एक्चुअल में होता क्या है सर, ये हमारे सेल्फ को दर्शाता है फर्स्ट हाउस, यानी हमारे खुद को, बॉडी लैंग्वेज को, हमारे बिहेवियर को, सेल्फ एटीट्यूड को, ठीक है जी। सेकंड हाउस हमारे फैमिली को दर्शाता है, और हमारे जो बैंक बैलेंस है उसको दर्शाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी को दर्शाता है, फूड भी, खाने में क्या खाएंगे, हमारे खाने पीने को भी दर्शाता है सेकेंड हाउस। और थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का है, और टूर एंड ट्रेवल्स का है, शॉर्ट जर्नी का है, ठीक है जी, हमारे पराक्रम का है, साहस का है, और जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उसको दर्शाता है थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस क्या है, एजुकेशन का, जो बेसिक हाउस है, बेसिक एजुकेशन का प्राइमरी हाउस है फोर्थ हाउस, और हमारी माता का है, और हमारे घरेलू जो एटमोसफेयर होते हैं उसको दर्शाता है फोर्थ हाउस। अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा आकाश जी, एक्चुअल में ना अभी बीच में आके ये ज्वाइन हो रहे हैं, अभी बताओ, जो व्यक्ति ना टाइम का पावन नहीं है वो कभी सक्सेस भी नहीं मिलती उनको। अब देखो हमारा जैसे फोर्थ हाउस था, ये हमारा वाहन व्हीकल को भी दर्शाता है फोर्थ हाउस, हमारी प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है।
और फिफ्थ हाउस हमारा लर्निंग भी है, मंत्र चैंटिंग भी है, और लव अफेयर्स भी हैं, स्पेकुलेशन भी है, और फिफ्थ हाउस हमारे चाइल्ड का भी, चाइल्ड फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसको भी हम यहीं से देखते हैं। सिक्स हाउस हमारी जॉब का है, और डेली वाइज जो हमारी रूटीन रहती है, सेवा भाव, और हमारे जो रोग रिपु ऋण का हाउस, इसको बोलते हैं सिक्स हाउस को, हमारे मामा की तरफ का ननिहाल पक्ष को भी दर्शाता है सिक्स हाउस, और हमारे जो एनिमी होते हैं वो भी सिक्स हाउस से हम लेंगे। सेवन्थ हाउस है पार्टनर का है, स्पाउस का है, हमारा जो जो रिटेलर शॉपकीपर्स हैं उनका है, और हमारे साझेदारी का भाव है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी दर्शाता है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड सेवन्थ हाउस को भी काउंट करते हैं, और हमारे ओपोनेंट को दर्शाता है सेवन्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या है, ऑक्यूल्टिज्म है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ये पेन पीड़ा को दर्शाता है, जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं किसी की लाइफ में, वो कोई भी हो, जितनी भी परेशानियाँ होंगी, कोई भी रुकावटें आती हैं, या एक्सीडेंट होता है, या डेथ को दर्शाता, वो एट्थ हाउस है। आपके साथ लाइफ में कोई भी बैड कुछ भी क्रिएट होता है लाइफ के अंदर, तो एट्थ हाउस है। सडन कुछ भी होगा, सडन गेन भी करा सकता है, सडन लॉस भी करा सकता है, एट्थ हाउस है, ठीक है जी। और नाइन्थ हाउस हमारे जुपिटर का है, भाग्य भाव है, और हमारे धर्म कल्चर को दर्शाता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस विदेश का भी लेंगे, और इसके साथ साथ में हायर एजुकेशन को भी दर्शाते हैं नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस क्या है, हमारे कर्म का है, जो हम कर्म करते हैं, कर्म और भाग्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, नाइन्थ और टेंथ। अब ना तो भाग्य के बगैर कर्म है, और कर्म के बगैर भाग्य नहीं है, क्योंकि दो पहिए होते हैं तभी बाइक चलती है। तो नाइन्थ और टेंथ दोनों साथ में इकट्ठे हैं, साथ में प्रॉफिट। इलेवंथ हाउस, टेंथ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस से हमें फादर के बारे में पता चलता है, सेकंड हाउस इससे क्या होता है, टेंथ हाउस, जो फादर का सेकंड हाउस होता है वो टेंथ हाउस, तो वो हमारे जो फादर होते हैं या गुरु होते हैं उनके बैंक बैलेंस को भी दर्शाते हैं, हमारे जितने भी स्टेटस को दर्शाएगा, हमारा जो स्टेटस है उसको दर्शाता है, और पॉलिटिशियन लोगों का जो होता है, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं टेंथ हाउस, यहाँ से हम उनको चेक करते हैं कि ये इलेक्शन में विन होंगे या लॉस होंगे, यहीं से पता चलता है। इलेवंथ हाउस हमारी विश फुलफिलमेंट का है, गेन का है, बड़े भाइयों का है, ठीक है, बड़े भाई बहन जो है इलेवंथ हाउस से लेंगे, किसी प्रकार की आपकी जो इच्छाएं हैं आपके मन के अंदर, यानी कि माया के अंदर बांधने वाला इलेवंथ हाउस है। आपकी इच्छाओं के अंदर जब आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो, इलेवंथ हाउस है, और हम ट्वेल्थ हाउस को बुरा बताते हैं क्योंकि हम इच्छाओं के वशीभूत हैं। ट्वेल्थ हाउस किसी भी थ्योरी का, किसी भी चीज का एक उपाय है, बहुत जबरदस्त तरीके से उपाय होता है, जिसको हम कर्मा एलिमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। जिस हाउस से रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट होता है लाइफ में, तो उसको यूटिलाइज करते आना चाहिए। अब ट्वेल्थ हाउस हमारा क्या है, ये एक्सपेंडिचर हाउस है, लॉस का है, और डेथ का हाउस भी है, लेकिन इसके साथ साथ में ये विदेश को भी दर्शाता है, और मेडिटेशन को भी दर्शाता है, और जो हीलर्स लोग होते हैं या मेडिकल फील्ड में जो लोग होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है, कोई भी जब लंबी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होता है, या क्रोनिक डिजीज हो जाती है, यानी कि 6-8 12 जिनका कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी टोटली बेस्ड जो है, बड़ी इजी थ्योरी है, और हाउस कम्बिनेशन पे ये वर्क करती है। 6 से 12 किसी का दिख जाए तो क्रोनिक डिसीज के चलते ना हॉस्पिटलाइजेशन उसकी होगी, और डेथ हो जाएगी, लंबी बीमारी के चलते मृत्यु। अगर किसी का 8th एंड 12th हो तो सडन एक्सीडेंट से ही डेथ हो जाएगी, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। और 8th अकेला अगर 12th हाउस आपको सिग्निफाई करे, तो हो सकता है वो एक डॉक्टर का भी 6-8 12 होता है, लेकिन उसके साथ में कुछ और हाउस भी जुड़ जाते हैं। अब 12th हाउस अकेला जो रहता है किसी का, 12th हाउस दर्शाए तो अकेलापन महसूस करेगा लाइफ में, ऐसा व्यक्ति ना अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से दूर दूर रहता है, या पागलपन से की शिकायत रहती है उनके दिमाग में थोड़ा सा,
बोलते हैं ना कि दिमाग उड़ा उड़ा सा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई समझ पाना मुश्किल हो जाता है, वो लोगों को थोड़ा। तो ये थ्योरी। और रचित जी कैमरा ऑन करो सर, सभी कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज। एक्चुअल में मैं कैमरा मैंने नहीं ऑन किया है, आप सभी एक बार कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करें सर, चेहरा तो दिखा दो। जी सर। पार्थ पटेल जी, सर मैं हूँ जतिन ओके जतिन जतिन, जी। सर इसमें वो एंगल मेरे को दिख नहीं रहा कि अब बैक कैमरा ऑन है कि फ्रंट कैमरा, जी थोड़ा जी पता नहीं। ओके ओके ओके। पार्थ पटेल जी कौन है? पार्थ पटेल पार्थ ऑफिस में है सर, वो वीडियो और ऑडियो नहीं ऑन कर सकते, बट वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। जी। ओके ओके ओके। तो सर फर्स्ट से लेके 12th हाउस का आपको ये भी पता चल गया मोटा मोटी तौर पे कि फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक हम क्या देखते हैं, ठीक है। लेकिन और ज्यादा डीप में जाओगे तो और ज्यादा गहराइयों में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये समुंदर है सर, इतना गहरा है कि जो भी इसमें डुबकी लगाता है कुछ ना कुछ निकाल के लेके आता है। अब इसमें देखो, यहाँ पे जो निकल के आता है डेस्टिनी नंबर 5 नंबर और हार्ट नंबर 1, पर्सनैलिटी नंबर 4, टैलेंट नंबर 3, अल्टीमेट नंबर 8 और रूलिंग नंबर 4 निकल के आता है शिवाजी आपका। लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो मोबाइल नंबर को लेके है। पहले ये बताओ कि मोबाइल नंबर आपका क्या है? अनम्यूट करेंगे शिवाजी, सिंगल 57 आ रहा है। डिजिट करो ना सर उसकी। मैंने क्या बताया था अभी, किसी भी की भी हम 1 से लेके 9 तक ही अंक होते हैं सर तीन नंबर है सर। जी, और उसको टोटल सिंगल डिजिट बनानी है। ऐसे ही अपने नाम की भी सिंगल डिजिट बनानी है, वो कैसे? अल्फाबेटिकल तरीके से मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ, वो भी आप लोगों को नहीं पता है कि नंबर नेम का नंबर कैसे निकालेंगे। आप सभी ऐसे एज इट इज इसको लिख लेंगे, अब यहां पे हम अपना फुल नेम बताओ शिवाजी, आप सर स्पेलिंग शिवा, बताओ। एस SHIVA THA ठाकुर THAKUR। हाँ ठाकुर। डॉक्यूमेंट्स में यही है। जी यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी निकालेंगे सिवा की। एस का क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में भी आता रहेगा साथ साथ में, एस एस का कौन सा नंबर है? 1। वन। और इसके साथ में एच का 8। 8 जी, साथ में 9 189, फिर जी, फोर 4 V का 4 जी। आप और बोलते जाए, मैं A का तो 1, जी पहले इसको हम इक्वल कर लेंगे। जी सिवा फाइव फाइव कितना है सर? 5। 73 इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं लगाएंगे, 2 प्लस 2 प्लस 3
यहाँ इक्वल आएगा 5, क्योंकि किसी भी नंबर का हमें तब तक उसको सम करते जाना है, तब तक वो इक्वल करते जाना, तब तक वो सिंगल डिजिट निकल के ना आती। अब इसके बाद हम ठाकुर का निकालेंगे। सर 7 आ रहा है ठाकुर का। जी यस 7 है। 5 प्लस 7 तो फिर 12 आया, तो फिर हम 1 प्लस 2 इक्वल 3। तो ऐसा मान सकते हैं जो इनका नाम भी डेस्टिनी पे आता है। 4 हमने कर लिया तो वो मूल्यांक हो गया हमारा, और जी जब जी पूरे को ऐड करते हैं तो वो भाग्यांक होगा सर। तो सर यहाँ पे उसके बाद जैसे आपने मोबाइल नंबर वगैरह लिया या ये चीज़ ली है, तो ये आप अभी नॉर्मल न्यूरोलॉजी में सर ये दोनों से मैच करते हैं या फिर भाग्यांक मूल्यांक से, या फिर एक से होता है ये मतलब? जी देखो, एक से हो जाए, किसी एक से हो जाए, किसी अच्छा एक से मैच हो जाए, लेकिन बात वहां तक सीमित नहीं है। ये तो हमारी न्यूमरोलॉजी है, पहले न्यूमरोलॉजी हम करेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी को केपी एस्ट्रोलॉजी से, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके रियल पता चलता है हमें कि ये वास्तव में हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अच्छा सर एक डाउट और था मेरा कि जी जैसे आपने इनके नेम से वो किया कि शिवा ठाकुर करके आपने पूरा प्लस कर लिया, ओनली शिवा किया है मैंने, यहाँ पे शिवा है, ओनली यहाँ पे नेम शिवा है, हाँ मैंने मतलब ठाकुर नहीं लिखा है। तो सर सरनेम नहीं कंसीडर करते नाम के उसमें, करते हैं ना गुप्ता करते जी, हैं ना? करते हैं बिल्कुल। अभी देखो यहाँ पे, जैसे ही पहले जो हाँ नाम है उसको देखो, और हाँ अब हाँ यहाँ पे अच्छा हाँ डेस्टिनी से मैच हो गया। हाँ मैंने इसलिए बोला था कि डेस्टिनी और ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर भी कर रहा है, और अब यहाँ पे रूलिंग नंबर से कनेक्ट हो गया इनका जो व्हीकल नंबर है। अच्छा ठीक है। जी तो सर जैसे ये जो नाम आप निकाल, जैसे नाम आप कर रहे हैं सॉरी, जी तो सर जैसे थोड़ा सा बेसिक मेरे को मालूम है, अब बहुत बिगनर लेवल है। जी जैसे सर ऑनलाइन जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जैसे कोई बच्चा हुआ जैसे उसका नाम रखना होता है तो इनिशियल निकालते हैं कि कौन से अक्षर से इसका नाम रखेंगे, तो सर जी उसके अंदर जैसे वो नक्षत्र से या उससे निकाल देते हैं कि भाई इस नक्षत्र में हुआ है तो उसका ये नाम होगा कि हाँ नक्षत्र चरण का नाम होता है। जी नक्षत्र से नाम निकालते हैं, तो सर उस केस में फिर मतलब ये लगेगा सर नाम वाला जो है कि नाम को प्लस करके और ये लगाएंगे हम, वही मतलब मैं समझाने वाला हूँ सर, ये वही हमारा वही अभी आज का जो सब्जेक्ट हमारा, इसी ये टॉपिक जो है यही है सर, ठीक अच्छा ठीक है सर ठीक है है। ना, हाँ कि जो जी ये हम नेम ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि आप जाओगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, या आजकल क्या है बहुत सारी एप्लीकेशन चली हुई है सर, कोई भी निकाल लेता है उनसे निकल के आ जाता है। जैसे अपना एक हिंदू ऐप आती है ना, इसमें मोबाइल के अंदर हिंदू हिंदू करके, अच्छा पता नहीं सर हाँ होगा। उसमें, हाँ बिल्कुल निकल के आ जाता है। तो नेम जो रखते हैं हम, उसमें पूरा फुल नेम नहीं होता सर, उसमें फर्स्ट अल्फाबेटिकल जो भी निकल के आते हैं वो हम बताते हैं, अच्छा लेकिन उस अल्फाबेट से जो फुल नेम बनता है व्यक्ति का, क्या उसके लिए लक्की है या नहीं है, वो फिर आप न्यूमरोलॉजी निकाल लोगे। आप कहोगे कि ये तो मेरा अब भाई डेस्टिनी नंबर हो गया, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं लाइफ पाथ नंबर है मेरा, इससे जुड़ गया, मैच हो गया, तो मैं लक्की हूँ। ऐसा नहीं होता सर, वही मैं समझा रहा हूँ। अगर इतना बेसिक ही होता तो मैं क्लास नहीं देता, क्योंकि ठीक है। बेसिक टॉपिक सबको पता है, इजीली सभी निकाल लेंगे, तो ये क्लास देने का फायदा ही क्या है। ठीक है यहाँ पे तो थ्योरी वो है जो लोगों की समझ से परे है। बाय डिफॉल्ट हमारे साथ घटनाएं क्यों घटती हैं,
और जो मोबाइल नंबर हमें मिला है वो क्यों मिला है? जो टैलेंट है, जो सॉफ्टवेयर में बता रखा है, म्यूट सर कर देता हूँ आपकी मैं एक बार आवाज, ग्रुप को। सर बीच बीच आपके में पास डिस्टर्ब कर रहे हैं जी, मैं चुप हो गया था ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना ग्रुप में बीच में मैसेज। अब हम आएंगे, एस्ट्रोलॉजी पे ये एक बार नोट कर लो, मुझे बताते रहना आप, स्नैपशॉट ले लो एक। डेस्टिनी नंबर 3 निकला था और रूलिंग जिसको हम लाइफ पाथ नंबर भी कह सकते हैं, मूलांक, मूलांक 4 है ना शिवाजी आपको, 4 हैं जी। और टोटल करेंगे तो निकल के आता है 3 नंबर। हाँ जी अगर लोसू ग्रिड से भी हम चेक करें तो आपको वुड एलिमेंट की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर बैलेंस में है, यानी कि साउथ ईस्ट। 1998 0925 दिल्ली, दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी सर, नई दिल्ली, हाँ जी दिल्ली, न्यू दिल्ली सर, एक ही है वो लगभग। थोड़ा सा डिफरेंस है। ईस्ट फेसिस हाउस मिला कि नहीं मिला आपको? क्या चीज सर? ईस्ट फेसिस एंट्रेंस मिली कि नहीं मिली आपको घर की? ईस्ट फेसिंग, हाँ सर, हाँ बर्थ शायद, बर्थ टाइम पे आपके जो एंट्रेंस थी हाउस की सर घर की वो मुझे नहीं पता, वो तब दूसरे घर में चेंज रहते कर थे। लिया आपने? हाँ सर, चेंज कर लिया, लेकिन अभी वाला जो है सर उसकी भी लगभग E7 की एंट्रेंस है। तो हो गया ना हाँ मतलब अभी वाले में भी सेम ईस्ट की है, पहले वाले की पता नहीं सर। अब तो ईस्ट हो गया ना सर, E7 E67 वो ईस्ट ही तो है, हाँ ईस्ट है। हाँ E8 आके साउथ ईस्ट में आ जाएगा एक्चुअल में। जी, हम 16 डायरेक्शन पे वर्क करते हैं वैसे तो, हाँ लेकिन 8 दिशाओं को सब मानते हैं। मोक्ष गुप्ता, मोबाइल नंबर बोलिए सर आप। 99107 4074747 99107 4074747
अल्टीमेट नंबर है आपका ये जी। और अभी क्या कर रहे हो आप? सर अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने। हाँ बिजनेस कंपनी नेम कोई? सर, ब्लू वेव कैपिटल, ब्लू ब्लू वेव, WAVE, वेब वेव है सर, वेव, WAVE। वेव हाँ वेव वेव, ओके ओके ब्लू वेव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। वैसे ये हम लेंगे नहीं क्योंकि ज्यादातर ये लगता है सबके पीछे, हम ब्लू वेव लेंगे। सर कैपिटल भी इसमें आएगा मेरे ख्याल से, प्राइवेट हाँ कैपिटल लिमिटेड। आएगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं आएगा। हाँ, ये तो आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं दे रहा ब्लू वेव। कब स्टार्ट किया है सर? ये सर अभी लास्ट ईयर किया था मैंने, अक्टूबर में कंपनी बनाई थी ये वाली। तो परफॉर्मेंस ये सर ऐसी डेड, कैसी है सर? सर ऐसी डेड है ये, मतलब ये डेड ही लॉस। है ये, हाँ क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। हाँ तो अब बात आती है कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट तो ऐसा डालेंगे ना जो मैच कर जाए। जी सर स्थान बताएं। प्लेस है दीनानगर, DINA, फिर से NA। जी पंजाब। हाँ यस। सर टाइम मैंने लिखाया है, ओके टाइम बताएं डेट ऑफ बर्थ है 12/07 जी। 1989 ओके और और टाइम टाइम है सर मेरा BTR वाला टाइम है जी, 12:51 AM PM, PM। वैसे AM है। मेरा नहीं PM है सर, रात्रि के 12 बजे या मॉर्निंग? दोपहर कैसे, दोपहर कह जी 12:51 PM। हाँ PM, PM होगा ना सर, हाँ जी 51। वैसे, हाँ वैसे मेरा पेरेंट्स ने 48 बताया, बट BTR 51 पे बनता है। हाँ जी कोई बात नहीं, वो भी BTR भी ठीक है, आपने बता दिया साथ साथ में, नहीं तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर क्या है सर आपका? 611 जुपिटर आता हाँ है गुरु, जी 3 नंबर सर, मोबाइल नंबर में 3 है जी और मेरी मूलांक भी 3 है। जी गुरु आपने मेरे मोबाइल नंबर से गुरु कंक्लूड किया और अब आप गुरु की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं राइट सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
जी अब यहाँ पे जुपिटर आपका हिडन हाउस में 12th हाउस भी शो कर रहे हैं, जो हाँ जी कर आपको रहा है 9 नंबर दिखा रहा है, 6 7 जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो 12 भी शो कर रहा है, और साथ में मार्स जुड़ जाता है फिर 8 नंबर से। लेकिन लास्ट एंड फाइनल जो है मिला के आपको केतु बचा जाता है यहाँ पे, केतु ने बचा लिया, 12th हाँ जी को नेग्लेक्ट कर दिया ना, 12th हाउस को। हाँ जी हाँ तो 3 8 10 मार्स, कोई जमीन प्रॉपर्टी से लैंडिंग का कोई ऐसा काम करते हो क्या, जैसे कोई टेंडर वगैरह जिसमें कोई रहता हो? सर मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और हम टेंडर फ्लोट करते हैं, ठेकेदार टेंडर डालते हैं फिर काम करते हैं उसके बाद। जी जी सर, क्योंकि 3 8 10 ये का जो कमेंट, कहाँ से कैच हुआ सर? ठीक है, वो 10th हाउस आपका प्रोफेशन है। ठीक है। ये सर आप मोबाइल नंबर देख के कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्योंकि तो मेरा मोबाइल नंबर गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है और गुरु का रिजल्ट दे क्योंकि रहा है देखो मंगल। सर, आप हाँ, गुरु का जो मार्स दे रहा है ना रिजल्ट, हम रिजल्ट पे जाएंगे हाँ ना जी सर, तकरीबन ठीक रिजल्ट पे जाएंगे, लेकिन जो अनटेनेंटेड प्लेनेट होगा तो सीधा वही ज्यादा रिजल्ट ऑफर करेगा। लेकिन ये आपका जुपिटर अनटेनेंटेड भी है और साथ में उसके रिजल्ट ऑफर भी कर रहे हैं। है। नहीं, मेरा मेरा गुरु बीटीआर में वो नहीं है, यूटी नहीं है। गुरु मीन्स इज नॉट यूटी प्लैनेट। सर है ना, क्योंकि देखो, हाँ, सूर्य का, बिल्कुल बिल्कुल, ये टेनेंटेड, ये रहा सूर्य का बना हुआ स्टार, ठीक है, ये ऊपर में देखा नहीं, जुपिटर रहा है यहाँ पे। तो इसके रिजल्ट जो मार्स से ही लेंगे, लास्ट एंड फाइनल जो आपका 11 नंबर है वो आपको शो कर रहा है ये सर फाइनल। सर एक कंक्लूजन बताना, हैड इट जी, बीन अगर मेरा मोबाइल नंबर कुछ और होता तो मैं आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ना होता। अगर आपका मोबाइल नंबर कुछ और होता, गुरु ना होता, तो मैं आज इस डिपार्टमेंट में ना होता। सर, क्योंकि देखो आप, ऐसा होता ही नहीं जो पहले से फिक्स है। अब बाय डिफॉल्ट होते वही, हमारे साथ वही चीजें घटित होती हैं सर, तभी तो हम प्रेडिक्शन देते हैं। मैं समझ गया, क्योंकि मैंने इस डिपार्टमेंट में जाना था, भाग्य डेस्टिनी जी से जी ही, इसलिए मेरे को जी मोबाइल नंबर भी मिला। गॉट जी सर, बिल्कुल इट, दिस इज द राइट कंक्लूजन। गॉट इट। और